हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग GMR इन्फ्रा स्टॉक का एनालिसिस करेंगे देखेंगे GMR इन्फ्रा में हम लोग को फ्यूचर में क्या मोमेंटम देखने मिल सकता है स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे आज दिन के दिन स्टॉक ने हम लोग को ऊपर की तरफ साढ़े पाँच परसेंट का मोमेंटम दिखाया जो कि स्टॉक का अभी का प्राइस चल रहा था जो कि एट्टी रुपीज सिक्सटी पैसे के अराउंड तो क्या फ्यूचर में एक अच्छा खासा टारगेट हम लोग जीएमआर इंफ्रा में देखने मिल सकता है बात करेंगे इस वीडियो में स्टॉक में नीचे की तरफ एक सपोर्ट है जो कि स्टॉक को होल्ड करके रखा है जो कि लगभग सेवेंटी रुपीज का लेवल है तो आप लोग का स्टॉप लॉस अराउंड सेवेंटी रुपीज के पास होना चाहिए जीएमआर इंफ्रा में क्योंकि अगर एक बार स्टॉक सेवेंटी रुपीज़ के नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम लोग को नीचे की तरफ तेजी से गिरावट देखने मिल सकता है लगभग नीचे की तरफ स्टॉक पचास रुपये का लेवल फिर से टच कर सकता है लेकिन जब तक स्टॉक सेवेंटी रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक में डरने वाली बात नहीं है अगर थोड़ा मोटा हम लोग को नीचे की तरफ गिरावट भी देखने मिलता है तो आप लोग तो और क्वांटिटी एड कर सकते हैं या फिर किसी को फ्रेश बाइंग करने का सोच रहा है जी एम में तो आप लोग और क्वांटिटी जीएमआर इंफ्रा में और क्वान्टिटी बाई कर सकते हैं ऊपर की तरफ टारगेट क्या देखने मिल सकता है जीएमआर इंफ्रा में जिस हिसाब से आज की दिन हम लोग साढ़े पाँच परसेंट का ऊपर की तरफ पोवेंटम देखने मिला लगभग देखें तो एक रुपीज के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया जो कि क्लोजिंग प्राइस है आज का एट्टी रुपीज़ पैसे के अराउंड तो शॉर्ट टर्म टर्मो यहाँ से टारगेट होगा जो कि हंड्रेड रुपीज तक का और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेन ट्वेंटी से लेकर वन फिफ्टी रुपीज़ तक का भी टारगेट दिखा सकता है क्योंकि देखेंगे तो स्टॉक हायर आई बना रहा है स्टॉक का प्रीवियस अगर ट्रेंड का बात किया जाए तो स्टॉक ने मोमेंटम किया थोड़ा सा करेक्शन हुआ फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ गिरावट भी देखने मिले तो आप लोग और क्वानिटी एड करेंगे फिर से अगर एक बार अस्सी रुपए के ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से टारगेट हम लोग हंड्रेड से लेकर वन फिफ्टी रुपीज़ तक का हो सकता है जी फ्रॉम तो इस वीडियो में इतना ही कर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपको कोई दूसरा स्टॉक का एनालिसिस करना हो तो नीचे स्टॉक का नाम कमेंट करें